आज मैं तुम्हें कोई कविता नहीं, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी जो आज मेरी है, कल किसी और की बन जाएगी। पता नहीं कब तक ये अपने ऐसे ही रंग दिखलाएगी। एक कहानी जो शुरू हुई थी स्कूल के पहले दिन से, और ख़त्म तो आज तक नहीं हुई। मंजिल का पता ना था, पर रास्तों पे चलना था। हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही 99% लाना था। एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी कि हमारा बच्चा ही हो बेस्ट, बट डियर पेरेंट्स, व्हाट अबाउट द रेस्ट। जैसे सफ़र आगे बढ़ा, साथ ही बढ़ता गया स्कूल बैग का बोझ। विज्ञान की किताब में हमें रहती थी सामान्य ज्ञान की खोज। जो सिखाया गया वो कुछ काम ना आया। जिंदगी का मतलब तो जिंदगी ने ही बताया। परसेंटेज देख एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई। सुबह स्कूल, दोपहर को ट्यूशन और शाम को होमवर्क करते करते किताबों के बीच ही ये जिंदगी गुजरती गई। स्पोर्ट्स के पीरियड तो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में ही निकल जाते, वरना हम भी शायद देश के लिए एक हद मेडल ला पाते। सपनों की तो बात ही कौन कर रहा है, हमने तो गुलाब फेंक का गुलाब भी सिर्फ किताबों में ही देखा है। पहले 10वीं, फिर 12वीं, इन सब में ही निकल गई। फिर समझ आया कि यार ये जिंदगी क्या से क्या हो गई। पर जैसे ही हमने हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना शुरू किया, दुनिया ने अपनी इच्छाएं हम पर थोपना शुरू किया। प्लेसमेंट और पैसों के पीछे हमें ऐसे भगाया गया जैसे गधों की रेस में घोड़ों को दौड़ाया गया है। इन सब के बीच कुछ पल सुकून के मिल जाते थे, जो हम अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। खैर, मैंने पहले ही कहा था कि जो कहानी आज मेरी है, कल किसी और की बन जाएगी, और यह दौड़ बस यूं ही चलती जाएगी।